क्या नाम है भाई का? मेरा कुनीन नाम है। क्या? कुनीन, K-O-N-A-I-N। कुनीन, तो ऐसा अद्भुत नाम किस लिए? अद्भुत नाम मम्मी वगैरह ने रखा था, पता नहीं क्यों रखा। क्यों रखा? बढ़िया लगा, लेकिन नाम तो बढ़िया ही है। नाम बढ़िया ही है, यूनिक है, थोड़ा सा यूनिक नाम है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। वैसे बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो यहाँ इतनी दूर क्यों? यहाँ इतनी दूर, पापा का प्रोफेशन वगैरह यहीं है। किस चीज़ में? गवर्नमेंट जॉब पे हैं? ना ना, प्राइवेट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब से उम्मीद ही खत्म है। उम्मीद ही खत्म है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद क्या प्लान है? इंजीनियरिंग करने के बाद सोचेंगे, एक दो साल बैठ के करना क्या है। Okay. मतलब कॉलेज करने के बाद भी एक दो साल बैठ के सोचना है? तो सोचना ही पड़ेगा भैया, कॉलेज में कौन सा पढ़ाई हो रही है, बंक हो रही है, बच्चे लड़कियां पटा रहे हैं, हम देख रहे हैं। चलो वो तो एक अलग सेगमेंट, उनकी अपनी चॉइस पे है, कोई जबरदस्ती तो आके गर्दन पकड़ नहीं रहा है, है ना? Exactly. तो आपको क्या करना है? अरे भैया वही फिगर आउट करने में टाइम लगता। उसमें इंजीनियरिंग किस फील्ड में करो? पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में करो। उसका आगे क्या स्कोप होता है, जनरली क्या स्कोप रहता है? नाउ स्कोप कॉलेज, कॉलेज के बाद लोग कंपनीज आएंगी, उसमें आपको हायर करते हैं, प्लेसमेंट मिलती है। और उससे अबव देन अगर कुछ इन्वेंट करना चाहो तो क्या कर सकते हो? कुछ इन्वेंट अपना बनाने के बारे में नहीं सोचा कभी? आजकल स्टार्ट इंडिया बड़ा चल रहा है, शायद ये स्कैम है मेरे हिसाब से। वो स्कैम नहीं, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है बेसिकली। एग्जैक्टली स्कैम है, वो अपनी एडवर्टाइजर बोर्ड को कोई नहीं जानता था शार्क टैंक के बाद जाने लगे। उन्होंने वो खुद ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो वहाँ लोग गए हैं ना, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उनका यही कहना है कि आप प्लेटफॉर्म को यूज करो, अपने ब्रांड को लॉन्च करो और रिप्रेजेंट करो। तो वो ठीक है, उनका क्राइटेरिया, बट कहीं ना कहीं जिन्होंने एक्चुअली में बहुत अच्छा कर लिया ना, वो स्कैम नहीं है, वो स्केल कर गए एनी रीजन। तो खुद का नहीं लगता कुछ इन्वेंट कर सकते हैं? खुद का कर सकते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे ना, अगर करवाना बच्चों से यूज इन्वेंट, तो मेरे को कह रहे हो कि खुद से इन्वेंट करूं मैं। हाँ, क्योंकि माइंडसेट अगर उधर लेके जाओगे तो मुझे लगता है कॉलेज ठीक है एक पार्ट है, वो डिग्री दे देगी आने वाले टाइम में, बट जो प्लेसमेंट भी दे रहे हैं ना, तो प्लेसमेंट के मान लो टॉप 100 कंपनीज का भी आप देखते हो, ठीक है, तो उस टॉप 100 में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या बन रहा है, और अगर आपके होने से उसमें क्या लिफ्ट हो सकता है। क्योंकि मेरे को कोई हायर तभी करेगा जब मैं उस जगह को या उस एसोसिएशन को अपलिफ्ट करवा सकता हूँ, ठीक है ना? तो वो माइंडसेट आपको मेरे हिसाब से रखना चाहिए, टॉप 100 गूगल से निकालो कि मुझे अगर प्लेसमेंट चाहिए, सपोज ABC इसी कंपनी में चाहिए, तो मुझे क्यों चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि वर्किंग के बेस पे कोई पे करेगा, इंजीनियरिंग के बेस पे तो कोई नहीं करेगा, है ना? तो उसमें वर्किंग आप खुद देखो। कि मैं जैसे कि ना बहुत लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ क्यों रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ ताकि एक्सप्लोर कर सकूँ, ह्यूमन नेचर को समझ। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं होता कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ मैक्सिमम। जनरली ना देखो वो ठीक है, आई एग्री। आप वर्किंग में क्या काम क्या करोगे? काम मैं फिर दिल्ली में काम तो करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली करना। तो क्या काम करोगे? मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा। उसमें क्या वर्क करोगे? वो तो वर्ड आपने एक मेरे को कैटेगरी दे दी, इन्वेस्टर बनोगे। इन्वेस्टर बनोगे, इन्वेस्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? इन्वेस्टर की पैसा कमाऊंगा तभी आएगा। बेसिक मिनिमम कितना? मिनिमम कितने से हो सकता है? 100 रुपये से हो सकता है? 100 रुपये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस है कुछ? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? ट्रेडिंग भी बहुत तरह की होती है ना भैया। अब इन्वेस्ट मतलब आप अपना पैसा लगाओगे, है ना? वो आपको नीश तो कहीं से पकड़ना पड़ेगा ना। अभी पकड़ सकते हैं? हम पकड़ सकते हैं, पैसा हो तो कर सकते। आप 100 रुपये से पकड़ सकते हैं? कर सकते हैं 100 रुपये। रिस्क देखो क्या होता है, मुझे स्मॉल अमाउंट है तो नहीं, स्मॉल अमाउंट नहीं है, रिस्क वेयर करने की पावर आ जाती है जब आपके पास पैसा होता है बहुत। बट रिस्क तो उतना ही रहता है ना। अगर मेरे 100 रुपये कहीं डूब गए तो मेरे लिए रिस्क उतना ही था, मेरा डिसीजन मेकिंग यानी गलत था, है ना? और अगर 2 लाख थे तो भी शायद डिसीजन मेकिंग गलत था। तो डिसीजन पावर मेकिंग ना आपकी बिल्ड हो जाएगी अगर आप छोटे अमाउंट से करोगे तो। नहीं, आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। अब आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है ना, तो अब तो उसी में ही रहना चाहिए ना। अगर आप मान लो 100 times आप फेल हो गए, सपोज मैं चाहता हूँ कि ठीक है आप 100 ऑलरेडी फेल्ड 5 times सर, और मैं -10 lakh में चल रहा हूँ। आपने अमाउंट बड़ा पिक कर लिया ना, क्यों? मतलब मेरे को मजा आया, सिंपल सी बात। मजा नहीं आया, मजा तो 10 रुपये में आना था ना, मेरे को लर्निंग मिली है यहाँ पे ना। देखो सिर्फ आप गलत नहीं हुए, आपका जो डिसीजन मेकिंग उस टाइम पे था ना, बस वो गलत था। मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग था कि हाँ शायद जो मैं प्लान कर रहा हूँ एनी हाउ वो शायद ऐसा होना चाहिए, बट वो प्लान के थ्रू आउट प्रोसेस के थ्रू आउट वो वैसा हुआ नहीं, प्लान कभी वर्क ही नहीं करता मैंने मेरे पास, वहाँ पे नहीं हुआ, या एनालाइज जो भी किया आपने वो उस तरह से हुआ नहीं, है ना? बट वो अगर मैं छोटे अमाउंट पे एनालाइज करता तो शायद तब भी मेरे को वो समझ आ जाती कि हाँ ये मेरा जो प्लान था वो शायद, या एनालाइज जो भी किया था वो फेल हो गया। तो अमाउंट कम हो जाता बस, फेलियर का रिग्रेशन उतना ही होता कि मैं 5 बार फेल हो गया। नहीं, फेल ना भी तो मेरे हिसाब से तो नहीं होते। इफ यू आर फेलिंग इन इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू लूज अ लॉट ऑफ अमाउंट मनी टू बिकम अ बिगेस्ट इन्वेस्टर, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, गलत। मेरे को ऐसा क्यों लगना चाहिए? यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन है बहुत क्लियर कि मेरे को मिस्टेक्स ना करनी है, ठीक है, बट मेरे को अपने पैर कटा के थोड़ी करनी है। मेरे दूसरे ने कटाई है उससे सीख लूँ ना मैं,
मैंने अपना ठीक है अभी ना पूरी दुनिया में क्या होता है ना कि जब दिवाली आती है ना पटाखे जलाने से सबको मना करते हैं, कोई नहीं मानता है ठीक है। मैंने फिफ्थ क्लास में ना अपना हाथ जला लिया था वन टाइम, एक मेरे को मिल गया। अब मेरे को लगता है कि मैंने उसी से सीख लिया कि मेरा छोटा सा एक लॉस हुआ कि मेरा हाथ थोड़ा सा जला और मैं समझ गया कि ये ना डेंजरस है एनी हाउ। ठीक है वो एक प्लेजर देता है जब जलाते हो तो, बट मैंने अपना जो सबक है ना उसी टाइम ले लिया छोटे से इंसिडेंट से। अगर मैं वेट करूं कि नहीं मेरे को तो बारूद के बीच में जाके फूंक के अपना को दिखाना है फिर तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तो मेरे को लगता है कि हमें लॉसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करके तभी पता भी लगेगा है ना, बट अमाउंट छोटा रखना चाहिए। ये सजेशन मैं अप्लाई करूंगा, अमाउंट हम छोटा रखेंगे ना क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर सही है तो 100 पे भी सही है, लाख पे भी सही है, तो वो बिल्डअप हो जाए तो ज्यादा बेटर। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी एक्सपीरियंस में हो सकता है, किसी भी वर्क में हो सकता है। लोग बड़े को शायद बड़ी चीज़ है ना, अगर कोई बड़ी गाड़ी चला रहा है तो उसे लगता है मैं उसमें ज़्यादा सिक्योर हूँ, ऐसा नहीं है। जो साइकिल भी चला रहा है उसको लग रहा है उसमें मैं सिक्योर हूँ, कोई मेरे को डोगे, दोनों सेम सिचुएशन में उनकी डिसीजन मेकिंग का फर्क है कि वो कहाँ कौन टर्न किस बिहाफ पे ले रहा है, तो सिचुएशन दोनों की सेम है। बट वह कि अगर मेरी साइकिल ठुक रही है ना तो 2000 में रिपेयर हो जाएगी, मेरी गाड़ी ठुक रही है ना भाई साहब 2 लाख रुपए लगेंगे उसमें, तो मैं कॉस्ट ना कम करने की सोचता हूँ कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स में ना कॉस्ट कम हो, बस एक्सपेरिमेंट सेम डिसीजन पे लेना चाहता हूँ मैं कि भाई मेरे को मरना है ठीक है, बट मेरे को मीठा वजन में ज्यादा मीठा खा के मरूँ, जहर खा के मुझे नहीं मरना। एक्सपेरिमेंट बस ना छोटे छोटे अमाउंट पे अगर वेरी करोगे ना तो आपका अपना एक्सपीरियंस जनरेट हो जाएगा, बट अमाउंट कम लॉस होगा। कुछ ना कुछ मैं बहुत कुछ करता हूँ ट्रेनिंग वगैरह भी कर रहे हैं। नहीं नहीं ट्रेनिंग में मैं आज तक नहीं गया, रीज़न कि मुझे बहुत अच्छी कोई कोर ना नॉलेज नहीं है, अच्छा पॉइंट ही है, तो मैं इसलिए आज तक नहीं घूमा। फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ? नहीं नहीं, फ्रेंड्स को उनका अपना एक्सपीरियंस है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस पर लड़ूंगा ना, अच्छा मैं दूसरे के एक्सपीरियंस पर कैसे ट्रस्ट करूँ क्योंकि मेरा पैसा है ना। या तो फिर ये हो सकता है मैंने पैसे आपको दे दिए आप लगा दो, मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, डुबा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो उस पैसे पे कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में पैसा है, मैं डूब भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मुझे भी फिर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे को बोलते रह जाते हैं लोग। सही है, मैं उसी चीज़ पे इन्वेस्ट करूँगा जहाँ मेरे को है, डूब गया तो मैं अपने आप को जिम्मेवार हूँ, बट वही छोटा अमाउंट, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पर, उसने किया उसने कमा लिया और खुद करता है नहीं कमा पाता है, रीज़न ही है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं आया ना, वो लॉसेस में उतने गए नहीं, तो वो गेन करना ज़रूरी है, वो मैं गेन अभी तक नहीं कर पाया हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं इसलिए, तो इधर इंटरेस्ट जला है। बिल्कुल सर इधर चल रहा है आजकल, लगे पड़े हैं, हाँ इधर लगे पड़े हैं, तो सही है, सही है। बाकी ठीक है, नए नए लोग मिलते रहेंगे, बाकी आप एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे अमाउंट में करो। नहीं नहीं मैं करनाल से आया हूँ ब्लॉग के लिए, हाँ बस ब्लॉग के लिए घूमते रहते पहुँचते हैं। नहीं बस आप चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है सर।